नमस्कार, स्वागत है आपका फूडी साव चैनल में। और आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्ज़ा घर पे, और इस पिज्ज़ा का पिज्ज़ा बेस भी हम घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है 2 कप मैदा, ये लगभग 100 ग्राम के आसपास होगा। और इसमें हम डालेंगे दही, जो बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, लगभग आधा कप दही हमने इसमें डाल दिया है। और हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक डाल देते हैं आधा चम्मच, और लगभग आधा चम्मच शक्कर डाल देंगे, और 2 चम्मच तेल डाल देंगे, और लगभग 1 चम्मच खाने का सोडा डाल देंगे। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से मुलायम डो तैयार कर लेंगे। पानी एक ही बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतनी डालते जाएंगे, और बहुत ही मुलायम डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा तैयार हो गया है। अब इस डो को हम ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। आधे घंटे के बाद इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा फिर से गूंद लेंगे। फिर इसे 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। हम 2 पिज्ज़ा बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम इसको 2 भाग में बांट लेते हैं। अगर आप एक पिज्ज़ा बनाएंगे तो लगभग 50 ग्राम आटे में आपका एक पिज्ज़ा बन सकता है। नीचे थोड़ा सा आटा डाल देंगे और इसे पटरी पर रखकर बेल लेंगे। इसको इवनली चारों तरफ से बेल लेंगे। देखिए इसकी थिकनेस हमने कितनी रखी है। अब इसके किनारों को थोड़ा सेट कर लेंगे और हल्का सा उभार बना देंगे किनारों की तरफ से। अब हम इसको तवे पर, हल्का गर्म तवा होना चाहिए जिसमें एकदम लगभग आधे मिनट के लिए ही दोनों तरफ आधे आधे मिनट सेक लेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर हम इसमें फॉर छोटे छोटे छेद बना देंगे ताकि ये फूले नहीं और अंदर तक अच्छे से पक जाए। अब हम इसके ऊपर पिज्जा सॉस लगा देंगे। अब इसके ऊपर हमने मोजरेला चीज डाल दिया है। पिज्जा चीज आपको बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। हमने अमूल का ये पिज्ज़ा चीज़ लिया है, इसको चारों तरफ फैला देंगे। पिज्ज़ा चीज़ आप घर पर भी बना सकते हैं। अगर आप पिज्ज़ा चीज़ घर पे कैसे बनाते हैं वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं उसको बनाने की विधि आपको बता सकता हूँ। पर इस बार हमने मार्केट से बना हुआ ही लिया है। अब इसके ऊपर टॉपिंग लगा देंगे, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, आप कॉर्न भी डाल सकते हैं। आपके पास और भी वेजिटेबल्स जो भी हैं, आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर ही डाले हैं। इसके बाद थोड़े और मोजरेला चीज डाल देंगे। और इसके ऊपर जो सिंपल चीज आती है
वो भी डाल देंगे। आप चीज़ स्लाइस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं या उसे क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं। हमने क्रश करके जो सिंपल चीज़ आती है वो भी डाल दिया है इसके ऊपर, ताकि ये बहुत अच्छा चीज़ी बने। ये देखिए हमने सिंपल वाली चीज़ डाल दी है मोजरेला के बाद। अब हमने एक कढ़ाई पर नमक डालकर उसके ऊपर एक कटोरी या बर्तन रख दिया था और उसे प्री हीट कर लिया था। एक प्लेट लेंगे जिसके नीचे थोड़ा सा आटा डाल देंगे और उस पर रख के इस तरह से कढ़ाई में रख देंगे और ऊपर से इसको ढक देंगे और 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद आकर इसको चेक करेंगे। साइड से थोड़ा उठाकर देखेंगे कि ये अच्छी तरीके से बना है कि नहीं। साइड से उठाकर देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगती है तो फिर से उसे रख दीजिए। हमने फिर से 10 मिनट के लिए रख दिया है क्योंकि वो पूरी तरीके से बन नहीं पाया था। ये देखिए हमारा पिज्ज़ा बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। देखिए नीचे से भी अच्छे से पक गया है ये। आपको ज़रूरत लगती है तो आप और अधिक समय के लिए रख सकते हैं। हमारा पिज्ज़ा बनकर तैयार है। आइए इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ी चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। आपके पास ऑरिगेनो हो, ये अगर आपको ऑरिगेनो पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। हम इसको कट कर लेंगे। आप पिज्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं। हमारे पास पिज्ज़ा कटर नहीं था, हमने चाकू से ही काट दिया है। इसके स्वाद का अंदाज़ा आप देखकर ही लगा सकते हैं, बहुत अच्छा बना है और इसका बेस भी बहुत अच्छा बना हुआ है। पिज्ज़ा घर पे बनाना बहुत ही अच्छा और सस्ता साधन है। बच्चे जब भी डिमांड करें पिज्ज़ा खाने की, आप उन्हें घर पे ही खिलाएं, आपके पैसे भी बचेंगे और स्वाद भी ज़्यादा आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।